हे फ्रेंड्स, तो मैं आप आपको फ्रैक्शंस कराऊंगी जिसका मैं इंटर बहुत जल्दी दूंगी। लेट्स स्टार्ट राइट। ओके लेट्स। तो मैंने ये जैम बोर्ड पे खोला क्योंकि मेरे को जैम बोर्ड पे करना था, नोटबुक और वाइट बोर्ड पे समझ नहीं आता, तो मैं आई यूज़ जैम बोर्ड जिससे मैं ना बहुत ईजी समझ आती हूँ, सो आई यूज माई लैपटॉप फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्ली this thing, let me just show you. Okay, let me just show you what is the fractions and I'm going to share the intro bataya na maine jaise bas. Okay, 2/9, okay, 2/9 with डिनोमिनेटर 63, 63 डिनोमिनेटर होना चाहिए। 2/9 जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर 63 है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में फाइंड करना है। ओके, मैं इसको कर दूंगी पैन। सो वी हैव द सॉल्यूशन हियर। क्या करना है आप लोगों को, लिखो, जस्ट राइट डाउन फुल मार्क्स। सुनने की भी होती है और लिखने की भी होती है, सो अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन राइट डाउन। सो 2/9 राइट, 2/9 के क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम जिससे आ जाए 9 की टेबल में क्या है 63 कब आता है, 63 कब आता है 9 की टेबल में। अगर आपका आंसर 7 है तो वेरी गुड, एकदम सही है। और अपना आंसर ऑनेस्टली प्लीज़ बताना, मेरा मतलब कॉपी मत कर लेना, सुनो आप लोग ठीक है, सिर्फ सुनो। 9 की टेबल में अगर अपन ने 7 मल्टीप्लाई किया है तो अपन इधर भी 7 ही करेंगे, कहीं वो 2, 4, 6, 8 ये सब नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम्स में कई बार आता है कन्फ्यूजन के लिए, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। बहुत काम आते हैं फ्रैक्शंस, बहुत रैंडमली अपन को पता भी नहीं चलता। सो या 14/63 अगर आपका आंसर है 2 × 7 = 9 × 7 का, सो एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, सुपर। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। और मेरा ये मैंने खुद एक क्वेश्चन है, वो पहले मेरी बुक से था, आप एनसीईआरटी की थी, अब मैं 6th हूँ। सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो मैंने बनाया, आई मीन ये भी बुक का ही है, फिर एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने खुद बनाया है। सो दिस इज़ फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद डिनोमिनेटर्स 30 एंड न्यूमरेटर 27। ओके, मिक्स कर देता हूँ। सो दिस इज व्हाट इट इज द क्वेश्चन। आप कैसे सॉल्व करोगे ये आप खुद बताएंगे, ये वाला मैं नहीं दिखाऊंगी। ये मैंने जैसे आपको अंडर पहले कर दिया था तो बस इतना सा बता रही कि पहले ये करना, फिर दूसरे वाला जब आओगे ना तो ये दूसरे वाले में करना, क्योंकि तो अलग अलग है ये। ओके, तो अब मैं खुद करो, ये मैंने इतना बता दिया, इतना बड़ा हिंट था ये, अब खुद करो, मुझे आंसर बताना। टेक योर टाइम फॉर लाइक 5 मिनट्स पॉज दिस वीडियो, क्योंकि बहुत जल्दी चलेगा, दैट्स व्हाई। सो आई होप यू हैव कमेंट डाउन, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी भेज सकते हो उसका आंसर। सो नाउ सॉल्यूशन, नेक्स्ट पेज, ठीक है, सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन सुन लो आराम से। अरेंज 4/9, 6/4 एंड 2/6 इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अपन को असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको।
तो ना मैं बता देती थी ना, क्योंकि आता नहीं होगा थोड़ा बहुत. सो 4/9, 6/4, 2/6. सो हमें एलसीएम निकालना है. सो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 9, 4 एंड 6 इज 36. So LCM will be 36. Okay. तो आप हाईलाइट कर सकते हो मेरी तरह. मैंने पता नहीं क्या कारनामा कर दिया इसका. तो इसका LCM क्या निकला? 36. अगर आपका LCM अलग आया तो प्लीज़ फिर से चेक करना, क्योंकि मैं आपको अब एक बार करके दिखा देती हूँ. बाद में आंसर सुनना, पहले ये कर लूँ. What was it? 6, 9, and 4. I need to see the question. 9, 4, 6, 9, 4, and 6. तो मैं पहले कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ. So this is my solution and it's very correct. So 9, 4, 6. तो 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है ये और ये. सो 2 एलसीएम निकालना है, तो हम कंटिन्यू करेंगे जब तक इसका ख़त्म नहीं हो जाता. सो 2, 9, 4, 6, 60 टेबल 3, 4, 2. सो 2, 9, 1, 3. क्यों? क्योंकि 2, 2, 1 डिवाइड करो इसलिए. फिर आता है अपना 3 मिस्टर 9, 3, 1, 1, 3, 1. ठीक है, डिवाइड करो 3, 3 है ना, आ गया इधर 1, 1, 1. फिर 3 का आ गया 1, 1, 1. सो दिस विल बी 36. माय एलसीएम इज देयर. अब मैं दिखाती हूँ इधर. तो अपन को डिनोमिनेटर करना है इधर. 36, 36, 36 में इधर लग गया. अब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो. असेंडिंग ऑर्डर में कर दो. 2, 36 हो गई. डिनोमिनेटर सेम है, आई मीन डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब लाइक फ्रैक्शंस हो गया. सो वी हैव टू चेक फ्रॉम न्यूमरेटर. वी डू नॉट हैव टू की दी डिनोमिनेटर, लाइक अलग अलग नहीं होना चाहिए. सो 36, 2/36, 4/36 एंड 6/36. अब ओरिजिनल नंबर के साथ करो. 6/9, 4/9, 6/4. ओके. और जो मैं क्वेश्चन दिखाए थे ना, एक मिनट ना मैं दिखा देती हूँ आपको, मतलब सॉल्यूशन नहीं क्वेश्चन, ताकि आप लोग चीटिंग ना करें. दिस वन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों को अपना वो दिखा दूंगी, क्या नाम है उसका, इंटर फ्रैक्शंस का. तो जस्ट वेट फॉर इट. मैंने लिख रखा है, मैंने बनाया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया गलती से. सो आई हैव टू मेक इट अगेन. दैट्स वाई प्लीज़ हैव पेशेंस. मैं कोई शॉर्ट या वीडियो डालूँगी, सो डोंट वरी. और आपका एलसीएम प्लीज़ मेरे को बताना क्या निकला था पहले, कि मैं जब बाद में ठीक कराया होगा, प्लीज़ मेरे को बताना. होप यू अंडरस्टैंड.